गोरी और आकर्षक त्वचा पाने के लिए कमाल के ब्यूटी टिप्स। एक चम्मच बादाम के तेल में एक चम्मच दूध पाउडर, एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू के रस को अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगाकर आधे घंटे के लिए अपने चेहरे पर ही छोड़ दें। उसके बाद चेहरे को पानी से धो लें। अगर नींबू आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो आप नींबू ना डालें। 2, आप नहाने से पहले सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी डालें व पूरे शरीर में मालिश करें, जिससे शरीर की त्वचा चिकनी हो जाएगी और आधे घंटे के बाद किसी ग्लिसरीन वाले साबुन से स्नान कर लें। अब आप देखेंगे कि आपकी त्वचा पहले से चिकनी है और उसमें खुजली या खिंचाव कुछ नहीं है। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो नारियल का तेल, जैतून का तेल भी आप ले सकते हैं। यदि आप तेल नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप शुद्ध देसी घी की भी मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपकी शरीर की स्किन चमकदार रहेगी और उसमें नमी रहेगी। 3, 2 चम्मच चोकर, 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच दही, चुटकी भर नमक। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें और चेहरे पर लगाएं 30 मिनट, फिर चेहरे को धो लें। इन सबको 30 मिनट के लिए चेहरे पर रहने दें, फिर 30 मिनट बाद में चेहरे को धो लें। 4, संतरे का रस, केला, पपीता, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें, फिर चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट रहने दें, फिर चेहरे को धो लें। इससे चेहरे पर बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप फेस पैक में नमक ना डालें। 5, 3 से 4 चम्मच दही लें, उसको एक कपड़े में रखकर छान लें। जब दही का पानी अलग हो जाए तब दही को एक बाउल में निकाल लें। आप दही में आधा चम्मच कस्तूरी हल्दी का डाल दें। अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन की हल्दी भी ले सकते हैं, पर एक चुटकी लें क्योंकि ये कलर छोड़ती है। अब दही और हल्दी को मिक्स कर लें अच्छे से, फिर पूरे फेस पर इसकी मोटी सी परत लगा लें। 10 मिनट बाद में हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। 5 मिनट मसाज करने के बाद में चेहरे को धो लें। इससे फेशियल जैसा ग्लो आएगा। एक बार आप करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।